अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं, तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका करता स्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। सौर ऊर्जा से संचालित बैटरी ट्रेन ट्रॉली, बेहतरीन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के माध्यम से अनावश्यक दिक्कतों की रोकथाम कर प्रशंसा को हासिल किए हमारे लालजीगढ़ साइट के समूह, पाइप कन्वेयर की लोड टेस्ट में सफलता को हासिल किए हमारे RWPL साइट के ऑपरेशन समूह। और अब समाचार विस्तार से। सौर ऊर्जा से संचालित बैटरी ट्रेन ट्रॉली हमारी संस्था TSPL साइट पंजाब में जिस दिन से काम लिया है, तब से लेकर आज तक वहां कई प्रकार की चुनौतियां का सामना करती आ रही है। हर एक बार इस प्रकार की चुनौतियों को हमारी TSPL के समूह की बेहतरीन योजनाओं एवं बेहतरीन रूप से संभालते आ रहे हैं। इसके प्रमाण के रूप में हमारे TSPL के रेलवे विभाग रेल पटरियों की देखरेख एवं उसकी मरम्मत के लिए वहां एक डीजल मोटर लगाए वाहन का उपयोग इन रेल ट्रैकों के लिए करते आ रहे थे, जिसके कारण डीजल की खपत बेहद ज्यादा होने लगी। और इस डीजल की खपत को कम करने के लिए हमारे समूह ने इसका दूसरा विकल्प की खोज कर अब सौर ऊर्जा एवं साइकिल क्षमता द्वारा संचालित एक नया वाहन को विकसित किए हैं। और इसकी झलकियां, सौर पैनल 70 वाट और इसकी बैटरी 12 वाट और इसका बैटरी बैकअप की क्षमता 4 घंटे हैं। इस सौर ऊर्जा वाहन से हमारे समूह वहां तकरीबन 63 किलोमीटर में फैले इन रेल पटरियों की देखरेख एवं इसकी मरम्मत को बेहद बेहतरीन तौर से करते आ रहे हैं। SNT सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन के समूह एवं श्री सरकार जी के नेतृत्व में श्री नितेश कुमार जी, श्री सुबोधजीत सिकितल जी, श्री अरजीत जी, श्री विमल सही जी एवं श्री नौरत कुमार जी द्वारा इस सोलर बैटरी रेल ट्रॉली का बेहतरीन रूप से निर्माण कर इसका टेस्ट रन भी बेहद बेहतरीन तरीके से लिए हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे TSPL क्लाइंट ने अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। इसके साथ साथ हमारे TSPL साइट के एसोसिएट रीजनल मैनेजर श्री जी जेवेल जी, डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री प्रमोद कुमार चौधरी जी ने भी अपने समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। बेहतरीन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के माध्यम से अनावश्यक दिक्कतों की रोकथाम कर प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारे लालजीगढ़ साइट के समूह। बेहतरीन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहें तो सिर्फ यंत्रों की सही प्रकार से देखभाल करना ही नहीं, उसके अतिरिक्त यंत्रों में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों की पहले से ही जांच पड़ताल कर उसकी रोकथाम करना है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमारी संस्था CBI विभाग के माध्यम से अपनी सभी यंत्रों की निगरानी करते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यंत्रों में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों की समय रहते जांच पड़ताल कर उसकी रोकथाम करके अपने कई क्लाइंटों से हमने प्रशंसा पत्र को हासिल किए हैं। इस प्रकार से हमारे लालजीगढ़ साइट के CBM इंजीनियर श्री आनंद कुमार जी की बेहतरीन एवं उनकी सटीक निगरानी की बदौलत पिछले दिसंबर महीने में ही कुल 10 दिक्कतों की जांच करने के साथ साथ सही समय पर इन यंत्रों की दिक्कतों को हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग दल की मदद से इन सभी को ठीक किए हैं। इससे पहले साल 2020 में भी कुल 43 दिक्कतों को ठीक किए हैं और ये बेहद ध्यान देने योग्य है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे क्लाइंट वेदांता मैकेनिकल श्री उपेंद्र पादे जी, मैकेनिकल हेड लालजीगढ़ द्वारा हमें प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किए हैं। पाइप कन्वेयर की लोड टेस्ट में सफलता हासिल किए हमारे RWPL के ऑपरेशन समूह। आमतौर पर हमारे RWPL के समूह थर्मल पावर प्लांट की आवश्यकता कोल को पहले कपूरडी माइन से सीधी तौर पर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ही प्राप्त किया करते थे। इसके साथ ही हमारे RWPL के क्लाइंट के उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार जलीपा माइन से कोल को ट्रक के माध्यम से रिसीव किया करते थे। इस प्रकार से वहां वायु प्रदूषण एवं ट्रक के माध्यम से रिसीव किए जाने के कारण वहां अत्यधिक यातायात भीड़ होने की वजह से इसे देखते हुए यातायात भीड़ को कम करने के लिए वहां पाइप कन्वेयर द्वारा कोल ट्रांसपोर्ट किए जाने का निर्णय किए और इस कार्य को संपन्न भी किए। इसकी वजह से जलीपा माइंस में से ही पाइप कन्वेयर द्वारा कोल को संचालित किए जाने का लोड टेस्ट किए। तकरीबन 2.2 किलोमीटर लंबे इस पाइप कन्वेयर में 1000 TPH देकर 33,193 मेट्रिक टन कोल को लगातार 3 दिन परीक्षण कर इसमें बिना किसी रुकावट के सफलता हासिल किए। इसके अतिरिक्त कपूरडी माइंस में से प्रतिदिन रिसीव किए जाने वाली सिस्टम में अब तक किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं हुई है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे RWPL के क्लाइंट श्री मनोज कुमार पटवारी जी DGM ने हमारे ऑपरेशन HOD श्री लालमन राइस दास जी एवं ऑपरेशन के समूह को अपनी प्रशंसा को ईमेल द्वारा जाहिर किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमें इसी प्रकार के बेहतरीन कार्य भविष्य में भी किए जाने के लिए प्रोत्साहित
जाहिर किए हैं। इसके अतिरिक्त RWPL के रेजिडेंट मैनेजर श्री प्रेम कुमार जी ने भी हमारे ऑपरेशन विभाग के समूह को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारे क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं, हमारे क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।